के बघौल गांव की, जहां की महिलाओं ने सामूहिक प्रयास से स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया। इस समूह में महिलाएं 100 रुपये प्रतिमाह जमा करती हैं। महिलाएं बताती हैं कि इस छोटी सी रकम को जमा करने से आपात स्थिति में उन्हें बड़ी मदद मिल जाती है। ये सभी को मतलब सभी महिलाओं को जोड़ करके एक स्वयं सहायता चला रही हूँ। और सभी महिलाएं जो पैसा लेती हैं, जैसे यहाँ से जो पैसा ले जाती हैं उसको 2% सूद के दर पर दिया जाता है, और वो 2% सूद ला करके देती हैं और सभी महिलाएं में मैं बांट देती हूँ। इससे उन लोगों को बहुत खुशी होती है। ग्रामीण कंचन मिश्रा बताती हैं कि इस अपना गांव की नई महिलाओं को आर्थिक बचत के लिए प्रेरित किया है। अब महिलाएं समूह के माध्यम से उचित आर्थिक लाभ उठा पाती हैं। 10 से अब 100 रुपया प्रति माह हम लोग जमा करते हैं। इससे गांव की महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है। आपस में ही लेन देन करती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। इस तरह करके एक ये छोटा सा बैंक तैयार हो गया है हम लोग का। सामाजिक कार्यकर्ता सह बैंक संचालक वीणा कुमारी मिश्रा कि इस समूह से आमतौर पर घरेलू महिलाएं जुड़ी हैं। ये सभी महिलाएं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से मदद करती हैं। आज वे ऐसे 4 समूहों का संचालन कर रही हैं। और जो भी हमारी जरूरतमंद, यही नहीं है कि हमारे ग्रुप में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो जरूरतमंद आती हैं उनको भी हम लोग इसमें मदद करते हैं। 15 दिन तक उनको कोई शुल्क नहीं लगता है, और हम आपस में भी ऐसा निर्णय लेते हैं कि 2 रुपये ये प्रति सैकड़े के दर से हमको, चाहे ग्रुप की भी महिलाएं हों या बाहर की, उनसे लिया जाता है। और वो पैसा जो होता है जब जमा होता है इंटरेस्ट वाला, तो हम लोग आपस में बांट लेते हैं। कभी कभी छोटी सी शुरुआत ही बड़े बदलाव की वजह बन जाती है, और आज बुधौल गांव की महिलाओं ने इसे साबित कर दिया है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।